आउट टॉपिक देखो लाइट आ रही है, लाइट आ रही थी नहीं आ रही थी, दैट मींस ये तो लाइट आ रही है जी सर, इसका मतलब ओके जी, मगर कुछ एक में लाइट आपको ब्लिंक करती मिलेंगी, कुछ में लाइट ब्लिंक नहीं करती मिलेंगी जी, तब क्या चेक करना है, लाइट आ रही है दैट मींस वोल्टेज जा रही है, यूनिट नहीं चल रहा, क्या नहीं चल रहा, तो क्या चेक करोगे सबसे पहले, कम्युनिकेशन, क्या चेक करना है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन चेक करने के लिए वोल्ट मीटर पे सेट करें सबसे पहले वोल्टेज, एसी या डीसी किसी में भी रख सकते हो, एसी या डीसी, तो किस में रखेंगे, एसी वोल्टेज कम आती है इसलिए ज्यादातर लोग बाग आपको डीसी वोल्ट करने के लिए बोलते हैं, कौन सी वोल्टेज करते हैं, डीसी वोल्टेज, तो डीसी वोल्टेज पे किया आपने, यहां रखा, सो आपको चेक करना है वोल्टेज जी सर, तो वोल्टेज कहां, पहले तो ये है आपकी न्यूट्रल फेस कितना आ रहा है, कुछ शो करेगा क्या, नहीं, नहीं डीसी है, एसी पे करेंगे तो 248 जी सर, डीसी पर किस पर करा, डीसी पर, अब ये ब्लैक वायर आपके हाथ में है इसे हम कहते हैं न्यूट्रल, इसको हमने क्या रखना है, न्यूट्रल पर, पीसीबी का न्यूट्रल कहाँ पर, देखो ये रहा न्यूट्रल, यहाँ हमने इसे न्यूट्रल रखा, अब सेकंड वायर कौन सी है, इसको कम्युनिकेशन वाले पे लगाएंगे वायर पे, तो देखिए क्या वोल्टेज वहाँ कम ज्यादा हो रही है, नहीं सर, इसका क्या मतलब, अभी सर वो सप्लाई नहीं, सप्लाई और लाइन इंडोर कम्युनिकेशन नहीं दे रहा, इंडोर कम्युनिकेशन नहीं दे रहा, इंडोर से करंट ही नहीं गया ना, नहीं सर, पावर ऑन करें देखें क्या हो रहा है वहां पर, देखें ध्यान से, कम ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है सर, अगर ये कम ज्यादा हो रहा है इसका मतलब पावर जा रही है सर, अगर ये मतलब ज्यादा मतलब है, है तभी प्रॉब्लम है, हाँ अभी ये 17 से 25 वोल्ट चलता है, वही 17 से 25 लेकिन 50 तक भी जाता है, तो चेक करोगे वोल्टेज हैवी हो जी, अब अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, अच्छा ये डीसी में है ना जी सर, एसी में भी कर रहा है, देखिए 10 वोल्ट के अंदर करेगा, कर रहे कि नहीं कर रहा, कर रहे, मींस कम्युनिकेशन हो रहा है, इंडोर पे चेक करोगे तो भी ऐसे करना चाहिए, आउटडोर पे जाओगे तो भी ऐसे ही करना चाहिए इसको, अगर आउटडोर पे नहीं कर रहा तो आउटडोर पीसीबी, आउटडोर पे नहीं कर रहा तो वो कमांड नहीं, इंडोर को चेक करना है, इंडोर को चेक करना, इंडोर तो इंडोर कैसे चेक करोगे, तो आउटडोर पे बैठे हो आउटडोर पे ब्लैक जी सर, और कम्युनिकेशन की वायर जी सर, तो वहां से कम्युनिकेशन की वायर को क्या करते हैं, निकाल लेते जी सर, निकाल लिया जी सर, वायर निकल गई बाहर जी सर, अब आपके पास वायर है यहाँ से सर, कहाँ पर, यहाँ चेक करेंगे आउटडोर, आउटडोर मैंने यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ से नहीं निकाला जी जी, इधर से निकाल, इधर से दे रहा है, सपोज दैट मान लिया गया, अब वहां पर हमने क्या क्या वायर निकाल ली जी सर, तो उस वायर यानी ये वायर तो ये रहेंगे ना, तो मैंने वायर पे चेक किया तो यहाँ पर वोल्टेज आनी चाहिए डीसी वोल्टेज 24 फिक्स वोल्ट, कितनी वोल्ट, 24 सर, कम अगर कम देगा 22 से 24 वोल्ट आता है, जो भी आएगा फिक्स है, फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ठीक है, फ्लक्चुएशन नहीं होगी इसमें जी सर, बिल्कुल भी वायर लूज रहेगा तो कर सकते कुछ भी ना, हाँ, अब अगर यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा आ रही है या कम आ रही है तो इंडोर पर आ जाएं, और इंडोर से क्या करें, इंडोर से क्या करें, ये निकाल लिए इंडोर से जी जी सर, तो इंडोर पे जहाँ पर है लगा हुआ जी सर कम्युनिकेशन वायर, वहां पर आपने क्या करना है, वहां लगाना है, वहां कितनी आ रही है 24 इसका मतलब आपके वायर फॉल्ट, कौन फॉल्ट है, वायर,
आप लोग कंटिन्यूटी लगाते हो, सर जी लगाते हो ना, अभी खत्म, तो वायर कैसे चेक करें? आउटडोर पे जाएं, पहले इंडोर पे आएं, इंडोर से वायर निकाल ली कम्युनिकेशन वाली, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन 24 वोल्ट फिक्स आ रही है, 24 वोल्ट फिक्स आ रही है, आउटडोर पे पहुंच जाएं, इंडोर पे लगा दिया, आउटडोर पे आ जाएं, आउटडोर पे कम्युनिकेशन वायर बाहर, न्यूट्रल कम्युनिकेशन 24 वोल्ट आ रही है, बगैर कम्युनिकेशन वायर तेज चल रही है, तो कम्युनिकेशन हो गया ना इंडोर से। ये इसके माइंड में ना, मैंने बोला इमीडिएट एरर नहीं आएगा ना, कम्युनिकेशन एरर इमीडिएट नहीं आता बेटा, इमीडिएट 30 सेकंड्स बाकी चीजें, लेकिन रनिंग था यूनिट, मैंने बीच में से निकाल दिया, तो वो अभी कमांड दे दिया था, अभी वो यहाँ पर कमांडिंग करेगी, देखो यहाँ पर वो यहाँ पर ना, देखो यहाँ पर ये जो लाइट दिख रही ना आपको, ये फ्लक्चुएट्स में स्टार्ट हो जाएगी, फ्लक्चुएट स्टार्ट हो गई नहीं है, तो ये मिसिंग हो रहा है, कुछ मिसिंग करेगी, तो जितनी बार ये लाइट ब्लिंक कर रही है वो भी एक एरर शो करेगी, क्या शो करेगी? एरर। तो इंडोर पीसीबी चेक हो गई जी सर, वायर चेक हो गई जी सर, फिर भी E6 नहीं गया तो क्या चेक करोगे? आउटडोर साइड से, आउटडोर के पार्ट, आउटडोर पे कौन कौन से पार्ट लगे? फैन मोटर, कंप्रेसर और सेंसर, यही हुए ना जी सर। आइए शुरुआत करें सेंसर, तो एक बार इसको ऑफ कर दें, ठीक है जी? जी सर। सो सेंसर कैसे चेक कर सकते हैं? सेंसर निकाला जी सर, किस में चेक करेंगे? ओम्स में, ओम्स से, ओम्स में चेक करें जी सर। जी पकड़िए, आइए चेक करें, यहाँ देखिए कितना ओम्स आना चाहिए? 5। इधर भी दिखाओ, नहीं 10 के 15 के, इनमें जो है जितने रूम सेंसर होते हैं ये 15 किलो से नीचे होते हैं हमेशा, 9 आ रहा है जी सर, ठीक है 9 किलो देती है, ये आते हैं 7 से 14 15 किलो, 7 से 15 जब टेम्परेचर चेंज होगा तो। अच्छा ये वाला देखो, ये कौन सा है? कुछ नहीं है, ओम पे लगा है, ओम पे लगा है, ये कॉइल से, कॉइल कितना होना चाहिए इसमें? 4 और 5 नहीं सेम सेम ही होगा, 7 से इन ब्लू स्टार 7 से 15 किलो नीचे रखो यार, 7 से 15 8.69 आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी सर? आ रहा है जी, दैट मींस ओके, अगर अगर 7 से कम या 14 से अधिक आ रहा है तो ये खराब है ना सर? नहीं, मौसम की भी देर हो सकती है, अगर सर सेंसर खराब नहीं होता, सेंसर खराब नहीं होते, मौसम की देर होती है, ठीक है जी सर, मौसम ठंडा तो ये क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मौसम गर्म तो ये घट जाएंगे, तो हो सकता है बाहर का टेम्परेचर 50 का हो जी सर, ठीक है जी सर। सो नेक्स्ट पार्ट सेंसर चेक जी सर, नाउ मोटर चेक, मोटर चेक नाउ है ना जी सर। वैसे सर सेंसर तो खराब होता नहीं है, सेंसर तो वैसे खराब होता नहीं है, इसका वायर वगैरह कट्टा होता तभी खराब होता है जी, वो फिजिकल डैमेज है उसका, तो पहले चले मोटर चेक जी सर। तो एसी मोटर डीसी मोटर सबसे सिंपल में बताऊं चेक करने के लिए, ओम्स किस पे लगाएं? ओम्स किलो, ओम्स किसी पे भी, ओम्स किलो लगा दिया हमने जी सर। नाउ आपके पास दो वायर जी सर, डीसी मोटर चेक करने के लिए रेड को रेड, ब्लैक को ब्लैक, तो रेड यहाँ पर है जी सर, रेड वायर नहीं है यस सर, रेड को रेड में लगाया, ब्लैक को ब्लैक, ब्लैक को हमने किस में लगाया? ब्लैक में, ब्लैक में देखो कोई वैल्यू आई क्या? नहीं, नहीं सर, व्हाइट में, डेवलप येलो में, नहीं, ब्लू में, नहीं, कहीं नहीं आई वैल्यू, नहीं सर, ओके है जी सर, वैल्यू कोई नहीं, कोई नहीं आएगी ओके, अगर वैल्यू आ गई खराब है फिर, रेड को रेड, ब्लैक को ब्लैक, अगर सर रेड के अलावा कोई, ब्लैक के अलावा व्हाइट, व्हाइट येलो, येलो ब्लू, ब्लू ब्लू, किसी में कोई वैल्यू आई नहीं सर, जैसे यहाँ पे कोई दूसरी वायर रेड के अलावा, बेसिक चेक कर रहे हैं ठीक है। सेकंड चेक कर रहे थे पिछले एसी मोटर, अगर वैल्यू नहीं आई
देखो यहाँ पर है तो खराब आ रही वैल्यू आ रही है यहाँ पर देखो आ रही है जी जी सर यहाँ पर आ रही है जी सर अगर तीनों में वैल्यू आ रही है जी सर यानी ओके कुछ भी सर वैल्यू कुछ कोई भी तीनों अलग अलग आनी चाहिए अलग अलग आनी चाहिए बस ठीक है जी सर वहाँ अगर आ रही है तो ओके नहीं आ रही यहाँ नहीं आ रही तो ओके डीसी में कभी नहीं आनी चाहिए अगर तीनों बराबर आ रही है तो अगर एक आ रही है तो डीसी मोटर डीसी मोटर अलग अलग आ रही है तो एसी मोटर लेकिन नहीं आ रही तो खराब और इसमें नहीं आ रही तो सही है और उसमें नहीं आएगी डोर वाले में नहीं आएगी यदि सर इसमें ये वाला एसी मोटर हो तो इसमें आएगी अगर सर जैसे सपोज कि इसमें वैल्यू आ रही है और सब में सेम आ रही है फिर उस कंडीशन में क्या होगा मोटर ही खराब हो मान लीजिए सर दूसरा सवाल ये था जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रेड की वजह हम ब्लैक आपको रेड से ही चेक करना है बस फिलहाल सर एक क्वेश्चन और है सर अगर ये कैसे हम रेड से चेक करना है सर हम लोग को कैसे पता करना है सर कोई सी भी मोटर हो जी एनी ऑफ कंपनी बेसक से ले लेना जी डीसी मोटर जी रेड को रखो ओम्स के साथ चलते जाइए ठीक है जी पहले ओम में फिर किलो किलो वैल्यू आ गई जी खराब खराब ठीक है सिंपल वे है ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते जैसे यहाँ पे एक खाली करके धर दिया हुआ है तो जो अलग हो उससे ही हमें हमें चेक करना ऐसा नहीं नहीं, नहीं, नहीं रेड को ही उठाना ओनली रेड सर अगर ये पीसीबी स्टार्टिंग है इसमें रुके रुके चेक चेक कहीं लेकर देते डीसी उसी छोड़ा डीसी मोटर ठीक है किस पे ओम्स पे पहले अपना मीटर चेक ठीक है नाउ एक एक पार्ट पे मैं चलता जाऊंगा रेड को रेड में ठीक है रेड को रेड में रेड अब पहले ये देख लीजिए यहाँ पर बी पारी नहीं आ रही आ रही जी सर देन ब्लैक नो नो व्हाइट नो सही येलो नो व्हाइट नो सही इलेक्ट्रिकली ओके होनी चाहिए जी सर इलेक्ट्रिकली ओके होनी चाहिए आइए नेक्स्ट पार्ट फिजिकल यस सर ये सर इलेक्ट्रिकल फिजिकल मोटर घुमाई अगर आराम से घूम रही है ठीक है ओके जी सर अगर हार्ड घूमी तो खराब जी डीसी मोटर ज्यादा फ्री घूम गई तो भी खराब सर डीसी मोटर जब खराब होती तो डायरेक्ट फिर चिपक जाती है ना घूमती ही नहीं तो उसमें घूमता है भाई क्या घूमता है कहाँ घूमता आइए तो चेक करें यस सर जी सो प्लीज प्लग इन तो मैं अपनी मोटर हटा दूं जी सर डीजी सर कोई सा भी मोटर उसमें लगा सकते सर इसमें आप करंट का नहीं बताएं कि इसमें अरे आप लोग बोलने दो यार एक लोग इसमें करंट के लिए नहीं करंट के लिए आप नहीं बताएं सर कौन से वायर में कितना वोल्टेज जाएगा चीज तो क्लियर करने दो ना पहला क्लियर हो गया जी लगा दिया मोटर रख दें जी सो नेक्स्ट ये मोटर चलनी चाहिए जी सर या नहीं चलनी चाहिए चलनी चाहिए चली नहीं चली स्टार्ट हो गया चलेगी चल गई हो गई ओके जी सर कंफर्म जी सर कोई डाउट तो नहीं ना नो सर अगर इसमें वैल्यू यहाँ आ गई तो खराब और एक और मजे चलता ठीक है सर और मोटर चल रही है हीट होके बंद हो जाता है उसमें क्या प्रॉब्लम बेटा वो देखोगे ना साफ चाम मिलेगी आपको वहाँ पर आप हल्का सा ऑयल यहाँ पर ड्रिप कर दें चालू कर दें वोल्टेज पे आ जाए जी डीसी वोल्टेज अब पीसी भी खराब कि मोटर ही खराब है जी सर जी मोटर का तो पता लगा लिया जी सर हो सकता है पीसी भी से सप्लाई ना आ रही जी सर जी ठीक है सो यहाँ वोल्टेज पे रखें एसी वोल्टेज डीसी सर एसी कौन सी वोल्टेज एसी डीसी रहेगा वोल्टेज डीसी रेड को रेड में
ये बस ये बात का जरूर ध्यान रखना, रेड को रेड में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ब्लैक को ब्लैक, वोल्टेज कितना आएगा सर? 326 27 27 28 कम बेसी 300 के आसपास आ रहा है जी जी, कम बेसी सर हो रहा है। वाइट में करें 313 हल्का सा कम आएगा जी। लास्ट ब्लू उसमें और कम उससे ज्यादा सर, जो वाइट में शो करेगा उससे थोड़ा ज्यादा, उससे ज्यादा आएगा, जो वाइट में शो करेगा सेम वही ब्लू में भी शो करेगा। एक सर सेम आ रहा है थोड़ा सा, सेम सेम ही आ रहा है, सेम ही पहुंच गया नहीं है जी सर, 5-7 वोल्ट का अंतर होता ज्यादा ज्यादा जी जी आ रहे। रेड और ब्लैक 310 सब लोग ये बताएंगे, रेड और ब्लैक 310 डीसी करंट सर क्या खराब इसे बताइए सर, ये F3 आ गया, कुछ फॉल्ट है, क्या खराब है? बोला आप बोले से कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं होगा भाई सर, क्या खराब बताएं सर, नहीं क्या खराब सुबह से मेरी मेहनत बर्बाद बर्बाद हो गई सर, तो ये वाला जो तार है इसमें लगा दिए बस हो गया, धन्यवाद। अरे ये मोटर तो चल रही है, अरे हम भुस्का ना यार सर, भुस्का था क्या फॉल्ट? F3 कौन सा वाला आउटडोर एंबिएंट सेंसर, ये रहा ये सर, ये सेंसर निकला हुआ, ये सेंसर निकला हुआ लगा हुआ नहीं है, अब सही हट गया, हट गया, इसीलिए आपको मना किया था मत लगा जी सर, हमें भी बात जी सर, दूसरे स्टेप बंद कीजिए जरा, अब एक चीज और दिखाते हैं, डीसी वोल्टेज बंद कर दीजिए जी, आवाज बोलते हैं, रेड को रेड, ब्लैक को ब्लैक, जरा अब देखिए वहाँ कुछ है जी, 0.1 0.0 अबे रेड को रेड में रहने दीजिए और व्हाइट में भी देख लीजिए, आ रही वोल्टेज, ब्लू में भी देखो, यस सर आ रही है, सब में आ रही है। ऐसे में आपने कुछ नहीं किया, क्या किया ये जैसे जैक था ना हमारा जी, इसलिए होता है दिक्कत क्योंकि हमने लॉक लगा रखा है, इसको लगा रखा है लॉक, इसमें नहीं सर हम निकाल दिया, टेस्ट उधर रखा था उनके, निकल गया ना, ये लो सर आपकी मोटर ओके बराबर जी सर। अब मेन चीज ये तो प्लग हटा हुआ है ना जी सर, वो भी हटा दिया ना जी, ध्यान से देखिए आपको दिखा रहा हूँ, खाली आप लोगों को करने के लिए नहीं बस दिखा रहा हूँ, इसी रेड थी यहाँ जी सर, ब्लैक यहाँ है, कुछ अभी नहीं सर, यहाँ देखो है कुछ नो, है कुछ नो सर, अभी जीरो ना जी सर, अगर यहाँ वोल्टेज जीरो नहीं हो रखी है जी, जीरो ही है सर, अगर वोल्टेज जीरो नहीं हो रखी तो अगर ये कनेक्टर मैंने लगा दिया तो मेरी मोटर उड़ जाएगी, जैक निकाला तुरंत अगर ये कर दिया डिस्चार्ज नहीं होगा, चेक करने के बाद लगाना सर, 5 मिनट वेट करो उसके बाद आप इसको दोबारा से लगा दीजिए, लाइट कटी हाँ चला जाता है हाँ, करंट स्टोर रहेगा सर, लाइट कट गई तो अगर निकाल दिए तो 5 मिनट बाद ही लगाना है, अगर आपने लगा जैसे आप लोग क्या करते हो बेसिक सर आ रहा है बाहर निकाला वापस लगा दिया गई,
ठीक है, सर उसमें हाई वोल्टेज होता है। ठीक है अभी क्लियर है मोटर? क्लियर जी सर। नाउ सर आपसे क्वेश्चन और कुछ सीनियर से, है ना, एसी मोटर डीसी मोटर पता करो कैसे, खोलनी नहीं है इंडोर, खोलना नहीं सर। डीसी मोटर का पहचान पांच वायर होते हैं, खोलने नहीं दिया मैंने, बिना खोले बताना सर, बिना सर मॉडल स्पीड सिंपल, ब्लोअर को घुमा कर, ब्लोअर को घुमाएंगे तो जैसे आपने ब्लोअर की शाफ्ट घुमाई, ब्लोअर घुमाया ना आपने जी सर, घुमा इमीडिएट बंद हो गया जी, तो दूसरे को घुमाया, घुमा चल रहा है जी सर, तो घूम रहा है वो एसी, जो नहीं घुमा वो डीसी। हल्का सा ब्लोअर घुमाया, घूम गया एसी, नहीं घुमा डीसी, ठीक है जी सर। ऑनलाइन चेक करेंगे तो एसी मोटर इमीडिएट रन, डीसी धीमे धीमे स्पीड पकड़ेगा वो धीरे धीरे करके, ठीक है जी सर। तो ज्यादा फ्री होगा कम फ्री होगा, तो फ्री ज्यादा होगा कम फ्री, इसलिए ये अगर टाइट चल रही है तो भी खराब और लूज चल रही है तो भी खराब। सर अगर सर्विस के टाइम हम रोवर पे एयर प्रेशर मारते हैं, अब वही बात आ रही है, लास्ट की बात, मैंने कहा लास्ट बात पूरी करते हैं, मारते हैं सर बस वही। अगर पता लग गया है डीसी मोटर जी सर, जेट सर्विस करते हैं ना जी सर, बिल्कुल नहीं करनी, जैक निकाल तो सर इसका जैक निकाल नहीं, नहीं करनी, जैक निकाल के करते हो ना आप लोग जी सर, बिल्कुल भी मत करना सर, हाथ से पकड़ के आपकी डेथ हो सकती है। कैसे सर? जो जहां है वही लग रहा है, ब्लोअर को घूमने नहीं देना है, हाथ से पकड़ करना है, हाथ से ऐसे दबा देंगे फिर उसको, हाथ से पकड़े सर्विस करना वैसे ही करते हैं सर, हाथ से पकड़ देंगे और अगर घूम गया तो आपने जैक निकाल रखा है तो आपकी भी डेथ हो सकती है, क्योंकि करंट डीसी करंट निकालेगा वो, जब भी आएगा वो 300 प्लस ही आएगा, उसको नहीं निकालते हैं, और 300 प्लस डीसी करंट और बिना हम बोलो और पकड़ कर उसे अर्थ चाहिए जी सर, और बॉडी को और ऐसे ही आपने पानी मार रखा है इतना कि मिलेगा ही नहीं। मोटर चेक क्लियर जी सर, अब बता दें क्लियर जी, एसी मोटर 100% ओके या खराब? 100% ये सर, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि डीसी मोटर हो आप जेट पंप मार रहे हैं तो डिस्प्ले पे लाइट ये लाइट जल जाती है, रिवर्स करके कमाल है, बिना जैक निकाले हां तो वही रिवर्स करके कमाल है, इसीलिए मना कर दो मत करना, करना यार ब्लोअर पकड़ के करना बस, ब्लोअर पकड़ के वो पता है भाई, इसलिए दुनिया आपको ये समझा रही है कि सिर्फ पकड़ सर, ओम्स जैसे हमने बिजली चेक करी थी ना वैसे एसी मोटर भी चेक करते हैं, देखिए कितनी वैल्यू 149 जी सर, देखो कितनी वैल्यू 155 है ना जी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 142 लगभग 300 ये कॉमन है सर, वो ये वाली कॉमन, ये रनिंग स्टार्टिंग हो गया ये कॉमन, ये कॉमन हो गई, तो जिसमें सबसे कम वो रनिंग, जिसमें मीडियम आएगी वो स्टार्टिंग, और जिसमें जिन दोनों में सबसे अधिक आएगी उसके अतिरिक्त वाली की वो कॉमन होगी, जी। सेंसर क्लियर जी सर, मोटर क्लियर, इंडोर पीसीबी क्लियर जी। अब खाली क्या बच गया, कंप्रेसर खराब या आउटडोर की पीसीबी खराब, यही पार्ट रह गया जी सर। तो अगर तीनों टर्मिनल पे चेक करोगे कंप्रेसर के सेम आ रहे हैं, अगर डीसी है तो डीसी कंप्रेसर, अलग अलग आ रहे तो एसी, एसी कंप्रेसर, एसी कैसे चेक कर लोगे है ना सर, अलग अलग आएगी ना वो, अगर हम सीरीज से चेक करेंगे तब भी अलग, एसी से चेक करेंगे तब भी अलग अलग वैल्यू आएगी, अभी कंप्रेसर खराब पीसी भी खराब बराबर जी जी, अब तो ये बच गया ना खाली जी जी। कंप्रेसर में एक और बात ध्यान, 2 ± 1 एक से तीन के बीच में वैल्यू होती है कंप्रेसर,
एक से तीन, तीन के बीच में। सर डीसी कंप्रेसर की, डीसी कंप्रेसर। आपके हाथ में दो तार एसी वोल्टेज लगाएं, क्या लगाएं? एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज है जी, ऑन करें सर उधर। सर न्यूट्रल किधर? पहले न्यूट्रल का पता करना हमको, है ना? तो न्यूट्रल कैसे पहले पता करेंगे? न्यूट्रल टू अर्थ कितना? 119। इधर देखो कितना? 125। रेड वाली वायर भी क्या है? फेस। तो न्यूट्रल कंफर्म हो गया जी सर। तो न्यूट्रल को न्यूट्रल दे दिया हमने, न्यूट्रल यहाँ पर आ रहे हैं ना जी सर। फिक्स कर लिया हमने लगाने के लिए, कर लीजिए है ना। अब क्या बचा? फेस। फेस पास में ना आपके जी। कंप्रेसर से जो पीसीबी निकल रही है, निकल रही ना, उसके तीनों टर्मिनल पे आपने चेक करना, एसी वोल्टेज ही चेक करनी है। कितना? 14 आ रही है जी। रेड में 14 जी सर। देखिए ब्लू में 14 सेम है जी सर। व्हाइट में देखो, व्हाइट इसमें भी 14। पीसीबी सही है, पीसीबी सही है। ओके, अगर वैल्यू एक्सचेंज आ रही है तो अगर एक भी वैल्यू ज्यादा पीसीबी खराब। कंप्रेसर सर ये नहीं, 14 तो 14 ही आएगी, 18 तो 18 आएगी, 12 तो 12। लेकिन रनिंग जब होती है फुल मोड में जाता है तो वोल्टेज पूरी 230 जाती है कंप्रेसर पे। मगर कौन सी आती है? डीसी। डीसी नहीं, एसी वोल्टेज जाएगी, लेकिन तीनों फेस के रूप में जाएगी। तीनों फेस के रूप में जाएगी सर। न्यूट्रल आप कहीं से भी ले लें और फेस कंप्रेसर के किसी भी के जैक से, किसी भी के जैक से ही जाएगा। क्लियर जी? कोई डाउट किसी को? नो डाउट। ओके हो गया जी सर। तो पीसीबी चेक करना आ गया जी। आउटर पीसीबी जी। लाइट नहीं चल रही, इसका आउटर पीसीबी में फॉल्ट है जी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वोल्टेज ही ना जा रही हो जी। पहले चेक कर, पहले वोल्टेज चेक कर जी। ठीक है जी। अभी क्या क्या चेक हो गया सबको बताओ, क्या क्या चेक करना आ गया? इंडोर पीसीबी चेक जी, आउटडोर पीसीबी चेक, कंप्रेसर फैन मोटर चेक, एसी डीसी फैन मोटर चेक जी, एसी डीसी मोटर चेक जी। पक्का जी? सेंसर चेक, सब चेक। तो बच गया कंप्रेसर, पार्ट सारे बच गए ना, सब कुछ कर लिया। वोल्टेज चेक करनी आ गई जी। अभी किसी का कोई डाउट नहीं है? डिस्प्ले बचा हुआ है बस। डिस्प्ले में भी अगर सर, डिस्प्ले में आधी लाइट आती है तो उसके लिए क्या करेंगे वो तो बताइए। तो स्टॉक बचे रहने देना, लाइट जल रही है।